नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिजली उपभोक्ता जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए समस्या सामने आ रही है। पहले उनका कहना था कि जब से वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर यूज़ कर रहे हैं तब से उनका बिजली बिल अधिक आ रहा है। अब नया मामला सामने आया है कि जो साइबर फ्रॉड गिरोह है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर यूजर्स को अपना निशाना बना रहे हैं और लगातार उनसे पैसे की ठगी कर रहे हैं। मामला सामने आया है कि ये साइबर फ्रॉड गिरोह उनसे अब तक 50 लाख रुपए ठग चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। बिहार में साइबर ठगी के मामलों को लेकर चौंकने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश अब बिजली उपभोक्ताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। खासतौर से उनके निशाने पर स्मार्ट मीटर उपभोक्ता आ रहे हैं जिन्हें बकाया बिजली का बिल भुगतान नहीं करने की बात कहकर उनका कनेक्शन काटने की धमकी देती है। जल्दबाजी में ये कस्टमर इन जालसाजों की बात में आ जाते हैं जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ऐसा ही फ्रॉड का मामला सामने आया है। बिहार पुलिस के साइबर सेल की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक अकेले राजधानी में साइबर फ्रॉड करने वालों ने करीब 50 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। अब जो भी लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं उन्हें बिजली विभाग से शिकायत की है। लगातार सामने आ रहे ऐसे केस से बिजली विभाग के अफसर भी परेशान हैं। इसके लिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से संपर्क किया जा रहा है। बिजली कस्टमर्स से हो रहे फ्रॉड की शिकायत को लेकर अधिकारी काफ़ी परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में प्रीपेड मीटर लगवाने वाले कस्टमर बिल्कुल मोबाइल की तरह ही इसे रिचार्ज कराते हैं, इसी के जरिए उन्हें बिजली मिलती है। अब साइबर फ्रॉड करने वाले बदमाश किसी तरह से इन ग्राहकों का अकाउंट चेक करते हैं, फिर फर्जी मैसेज या कॉल के जरिए लोगों से उनका कनेक्शन काटने की बात कहकर कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। इसके मुख्य वजह अकाउंट में पैसे के नहीं या फिर कम होने की बात बताते हैं। साइबर फ्रॉड तुरंत ही इन लोगों से संपर्क करके एक नंबर देते हैं जिससे रिचार्ज कराने को कहते हैं। बिजली नहीं कटे इसलिए लोग जल्दबाजी में रिचार्ज की कोशिश में जुट जाते हैं जिससे वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। फ्रॉड का शिकार बने ग्राहकों ने बताया कि ठगी करने वाले बिजली अधिकारी बनकर बात करते हैं, ऐसा समझाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि वो सच में बिजली अधिकारी नहीं है। बदमाश इसी बहाने से ग्राहकों को झांसे में लेकर एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। इसके जरिए जैसे ही वो अकाउंट से बिजली बिल भरने के लिए जाते हैं फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। हालांकि अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ग्राहकों को अलर्ट किया है, ऐसे मामलों से बचने की अब जरूरत है। बिजली विभाग ने भी ग्राहकों को कहा है कि विभाग अचानक बिजली कटौती के मैसेज नहीं करता है, इसलिए ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज का शिकार ना हो। तो आपने देखा कि कैसे जो स्मार्ट प्रीपेड यूजर्स है उनको लगातार साइबर फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। राजधानी पटना से मात्र 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ऐसे में बिजली अधिकारी भी काफ़ी परेशान है कि कैसे साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया कि ऐसे किसी भी मैसेज या कॉल आता है तो उस पर सक्रिय होकर कोई भी भुगतान करने की कोशिश ना करें। जब तक आधिकारिक रूप से बिजली विभाग से कोई मैसेज या कॉल ना आए तब तक इस ठगी का शिकार ना हो। तो अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और ऐसे ही तमाम खबरें सबसे पहले खुद तक पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।